केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सप्ताह भर की अमेरिकी यात्रा पर, इस दौरान वे विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्प्रिंग बैठकों में लेंगी हिस्सा। EIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान की दोनों सरकारों पर साधा निशाना, कहा राजस्थान में बीजेपी हो या कांग्रेस, भ्रष्टाचार दोनों सरकारों में है। अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, इस दौरान कोर्ट ने स्कीम को बरकरार रखने का दिया है आदेश। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए गेम चेंजर बने रिकू सिंह, अंतिम ओवर में 5 छक्के लगाकर गुजरात टाइटंस को 1 विकेट से दी शिकस्त। क्रिकेट मैच को लेकर यूपी के इटावा में छिड़ी बहस, 2 गुटों में जमकर हुआ पथराव। ईस्टर संबोधन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया दावा, कहा हमें पूरा यकीन है कि एक दिन बुराई हार जाएगी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के ठाणे शहर से शुरू किया जय भारत सत्याग्रह। कर्नाटक के सीएम बसवराज मुंबई सिगगांव निर्वाचन क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर आने वाले 6 दिनों के लिए युगांडा और मोजाम्बिक की यात्रा पर रहेंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट में दिल्ली से लंदन जाने वाला यात्री हुआ बेकाबू, इस दौरान यात्री ने 2 क्रू मेंबर को पीटा, जिस वजह से फ्लाइट को वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश में करेंगे बाणसागर और टमस समूह जल प्रदाय योजना का शिलान्यास। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला एक बार फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, इस बार दायर की गई याचिका में वजू खाने के सील बंद क्षेत्र को खोलने की मांग की गई है। सदस्यता जाने के बाद कल पहली बार संसदीय क्षेत्र वायनाड जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, इस दौरान वे एक सभा को संबोधित कर रोड शो का आयोजन भी करेंगे। राजस्थान की सियासी हलचल पर बोले कपिल सिब्बल, कहा कांग्रेस का सिरदर्द फिर से लौट आया है। बच्चे के होठ चूमने वाले मामले में आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने माफी मांगी, कहा सबके साथ मासूमियत से ही मिलता हूँ। बिहार में कोरोना केसों को लेकर जारी किया गया अलर्ट, अब राज्य के सभी अस्पतालों में करवाई जाएगी मॉक ड्रिल। केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टूडू ने एक बार फिर दिया विवादित बयान, कहा UPSC के माध्यम से नियुक्त होने वाले अधिकारी डकैत होते हैं। यूक्रेन की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर एमिन झापरोवा करेंगी भारत की 4 दिवसीय यात्रा। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार सरकार पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार और RJD की सरकार बिहार में हिंसा रोकने में नाकाम रही है।